नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एक सवाल सबके मन में कि सर, हमने सब कुछ तैयार कर लिया, लगभग बहुत सारी किताबें पढ़ ली, सारा कॉन्सेप्ट भी कवर हो चुका है और प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी मैंने कर लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए? डैट मीन्स अब ऐसा मैं क्या करूँ कि जिससे ये 100% श्योर हो जाए कि मेरा सीटेट निकल जाएगा, यानी अब आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, अब आपको जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो बातें, इसको आपको पहले ध्यान से सुनना होगा और बहुत गौर से इसको फॉलो कीजिएगा। पहली चीज़, आप जो चीज़ें आपने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, पहले ये सोचिए कि क्या जो आपने पढ़ा है उनमें से कितने प्रतिशत जो प्रश्न हैं वो पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं। यानी पहला काम क्या करोगे, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी टॉपिक आपने कवर किया है, उससे रिलेटेड आप प्रश्नों को खोजिए और देखिए कि क्या जो टॉपिक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड क्या कुछ कितने परसेंट प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में दिख रहे हैं। उस टाइम जब आप खोजोगे, अगर आपको दिख रहा है कि हाँ, मैंने जो टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड बातें लगभग पेपर में बार बार पूछी गई हैं, तो इसका मतलब आप सेफ जोन में हो, आपको बस और थोड़ा सा अभ्यास करने की ज़रूरत है, पेपर तक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सब कुछ पढ़ लिए, हर चीज़ें कर लिए हैं, लेकिन अब आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, देख रहे हो, खोज रहे हो कि आपने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पेपर में लगभग प्रश्नों की संख्या 10% 15% के बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो पढ़ा है वो सही ढंग से चीज़ों को नहीं पढ़ा, इसलिए आपके द्वारा पढ़ी हुई चीज़ें पेपर में मैच नहीं कर रही। क्योंकि लगभग 65 से 70% आपका कॉन्सेप्ट आपके प्रश्न से मैच करना चाहिए। कितना? 65 से 70% आपका पढ़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्वेश्चन से मैच करना चाहिए, यानी पिछले जो 10 सालों में प्रश्न पत्र बने हुए हैं। तो इस चीज़ को आप चेकआउट करने का वक्त है, इतना कर लीजिए। इसके बाद अगली रणनीति मैं आपको कल के वीडियो में बताता हूँ। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।